So this is headquarter of policy based VPN. And on the right hand side, we are having the headquarter of root based VPN. So you see the difference lies from this point onward compared to this thing. So on the right hand side you have root based, and on the left hand side you have policy based. Make sense? ओके आइए हम अपनी ये टनल कन्फिगर करते हैं. We need to get rid of the previous configuration. So clear configure access list, clear configure object, clear configure NAT, then clear configure object, clear configure tunnel group, clear configure crypto. इसी तरह हम ऐसे ऐसे पर भी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर कर देते हैं. क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट, नेट खत्म, ऑब्जेक्ट्स खत्म, टनल ग्रुप रिमूव्ड. So we have no configuration left in branch 1 and headquarter. Show crypto IPv1 SA, there is nothing. Show crypto IPsec SA, there is nothing. अच्छा जी, अब जाहिर है क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन खत्म कर दी गई है तो हम R1 से नहीं पिंग कर सकते 1.1 को, और इसी तरह हम R2 से जो कि ब्रांच 1 है नहीं पिंग कर सकते हेडक्वार्टर को, बिकॉज़ देयर एग्जिस्ट्स नो टनल. सो ये टनल अब हमें अप करनी है. This tunnel we need to bring up. Headquarter पे push करते हैं headquarter की configuration. Root को मैं भी छोड़ रहा हूं, सिर्फ tunnel तक कर रहा हूं. Show interface IP brief. You can see that we have a tunnel 0 interface which is down at the moment, क्योंकि इसको remote site से जो आईक की निगोशिएशन है फेज 1 और फेज 2 की, उसके नतीजे में कोई भी सिक्योरिटी एसोसिएशन नहीं मिल रही, सो इट इज डाउन. सो देयर इज नो एक्टिव स्टेट फॉर द टनल, इट इज स्टिल वेटिंग फॉर समबडी टू कनेक्ट. दूसरी तरफ ब्रांच में कॉन्फ़िगरेशन पुश कर देते हैं विदाउट रूट. ओके जी, सो ब्रांच साइड की भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, हेडक्वार्टर साइड की भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई. सो यू कैन सी दैट द टनल केम अप. ऑन द अदर साइड वी आल्सो हैव एन अप एंड अप टनल. और अगर अब मैं शो क्रिप्टो आई वी वन ऐसे करूं, सो वी हैव एन एक्टिव टनल. शो क्रिप्टो आई पी सेक ऐसे करूं तो हमारे पास इन बाउंड एंड आउट बाउंड ऐसे बिल्कुल उसी तरह आई पी सेक के बन गए, एंड दे आर पॉइंटिंग अ वर्चुअल टनल इंटरफेस. हमने कोई सीक्वेंस नंबर नहीं दिया था, बट उसका हिडन सीक्वेंस नंबर जनरेट खुद ही हो गया. And same is the case on branch side.
दिस इज एक्टिव और आईपी सेक कैसे देखें तो वो भी हमारा एस्टेब्लिश्ड है. सो इसको हम एक वैन लिंक समझ सकते हैं जो दो डिवाइसेस के दरमियान एस्टेब्लिश हो गया. अब हम इस वैन लिंक के ऊपर वी नीड टू रूट ट्रैफिक. नेम इफ देखें तो हमारे पास टनल इंटरफेस के ऊपर वीपीएन का नेम इफ भी अप है. अब हमने इसके ऊपर रूट करनी है अपनी ट्रैफिक. सो ट्रैफिक रूट करने के लिए अब हमें इसके ऊपर स्टैटिक रूट या डायनामिक राउटिंग दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करना है. ओके दिस इज ब्रांच, यू नीड टू पुश हेडक्वार्टर के मुताबिक रूट. तो हम कह रहे हैं 192.168.1.0 को लेकर जाना है वीपीएन से. सो द रूट इज पॉइंटेड और इसी तरह से ये वाला हम ब्रांच में पुश करेंगे. तो 192.168.0.0 के लिए 172.16.1.1 और VPN के ऊपर हमने पॉइंट कर दिया. ओके सो वी हैव स्टार्टेड रिसीविंग द रिप्लाई और ये रिप्लाई हमारा दोनों साइट्स के दरमियान स्टार्ट हो चुका है जो इससे पहले नहीं आ रहा था. ऑब्वियसली ये इस टनल के एस्टेब्लिश हो जाने के बाद ही पॉसिबल हुआ है. अब अगर हमने दूसरी टनल अप करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा. ये टनल अगर अप करनी है सो फॉर द सेकेंड टनल हमें ब्रांच टू पर जाना है. उस पर ACL और क्रिप्टो मैप नहीं चाहिए बल्कि वहां पे भी हमें एक टनल इंटरफेस क्रिएट करना है और दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट सबनेट क्योंकि ये अलग पॉइंट टू पॉइंट टनल्स हैं. दीज आर पी टू पी जस्ट लाइक टू सेपरेट वैन इंटरफेसेस. तो यहां पे हमें 172.16.2.1 का सबनेट इस्तेमाल करना पड़ेगा. अदरवाइज ASA being router हमें सेम सबनेट रिपीट नहीं करने देगा. सो लेट्स यूज 172.16.2.2 ऑन दिस ब्रांच साइड. इसका टारगेट 6111 ही है और इसने भी इसी सबनेट के लिए वहां तक जाना है. यहां तक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर फ्रॉम ब्रांच टू पॉइंट ऑफ व्यू.